सुप्रभात बच्चों। देखिए बेटा, अगर हमें घर की कोई भी चीज खरीदनी रही या कोई नई चीज लेनी रही तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप चीज खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए? हम बाजार जाते हैं, है ना? यानी बाजार में हर तरह की चीज और कोई भी जो वस्तु हमें लेनी रही तो हम बाजार जाकर उसको खरीदते हैं या मार्केट जाकर। तो आप लोग जाते हो क्या मम्मी पापा के साथ बाजार में? यस, आपको बाजार में जाना अच्छा लगता है। अगर कोई चीज आपको, या कोई कपड़े या कोई स्कूल की चीज आपको लेनी रही तो आप मम्मी पापा के साथ अपनी पसंद से खरीदने के लिए उनके साथ जाते हो। तो इसी प्रकार से देखिए, आज हम बाजार, ये जो चित्रवाचन है, इस चित्रवाचन को पढ़ने वाले हैं। तो जो जो लोग बाजार गए होंगे, जिन्होंने बाजार देखा होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही इजी है कि बाजार कैसे होता है, बाजार में कौन कौन सी चीजें बेची जाती है, कौन कौन सी चीजें लोग खरीदते हैं। उसी प्रकार से देखिए, हमारे गांव का जो बाजार होता है उसका एक विशिष्ट दिन होता है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो आपके गांव का बाजार किस दिन होता है बेटा? ओके, तो देखिए आप, यानी हर दिन का जो बाजार है वो अलग अलग दिन उसका होता है। मलका पुर जो है, तो इस मलकापुर का जो बाजार है कब होता है बच्चों? वेरी गुड, शनिवार को होता है। तो जो चित्रवाचन आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें गांव का बाजार और शहर का बाजार, ये दो चित्र हमें दिए गए हैं। गांव के बाजार में क्या क्या रहता है और शहर के बाजार में क्या क्या रहता है, दोनों हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांव का बाजार। गांव का बाजार, आप लोग बाजार में गए होंगे, आपको पता होगा कि गांव के बाजार में क्या होता है। देखिए, इस प्रकार का जो चित्र है हमें दिया गया है, पेज नंबर 42 पर है। सभी ने बुक्स खोलनी है, खोली सभी ने बुक्स? बुक्स सामने रखनी है बेटा, ठीक है? तो देखिए बाजार में क्या क्या बिक रहा है। यहाँ पर देखो तो ये जो लाइन में बैठे हुए हैं ये लोग क्या क्या बेच रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली दुकान है तो उस दुकान में हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो मसाले रहते हैं, जिसे हम सब्जी में डालते हैं और सब्जी टेस्टी बनती है ना मसाले डालने से, तो देखिए ये सारे मसालों की दुकान है। ये जो महिला है मसाले बेच रही है और एक जो महिला है वह खरीद रही है। उसके बाद देखिए सब्जियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ फल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो फल बेचने वाला है, सब्जियां बेचने वाला है, वह तोल रहा है, यानी तोल कर दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी जो एक महिला है वह तराजू से तोल कर जो वस्तु खरीद रहा है उसको वह दे रही है। क्या है यह? लाल लाल सेब है या टमाटर है बेटा? देखो तो क्या है, सेब है। ओके, तो इसे वह महिला गिनकर दे रही है। और ये जो लेने वाला है उसने घर से थैली लाई है, देखिए कैरी बैग में ले रहा है क्या वह? नहीं, तो उसने घर से थैली लाई है बेटा।
तो जब आप बाजार जाओगे तो बाजार में अगर आपको जो कैरी बैग होती है प्लास्टिक की, उसमें अगर कोई वस्तु गिनकर देते भी होंगे तो भी मना करो। और एक अच्छी सी जो कपड़े की थैली है, थैली लेकर जाओ और सारा जो बाजार है उस कपड़े की थैली में लेकर आओ। इससे क्या होगा, यानी जो प्लास्टिक की थैली है, आपको पता है कि प्लास्टिक की थैली से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। हम यूज करने के बाद वो जो थैलियां होती है वो कहीं इधर उधर डाल देती है, और इधर उधर डालने से क्या होता है बेटा, जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, ये पन्नी खाते हैं, और पन्नी खाने से वो यानी उसका पचन होता है क्या प्लास्टिक का, नहीं होता। तो इससे क्या हो जाता है, समय पर जो जानवर खाते हैं जिनके पेट में यह पन्नी जाती है उनकी मौत भी हो जाती है। इस प्रकार से हमें जो पन्नियां हैं प्लास्टिक की वह लेनी नहीं है, और जो हमें देता है उसको भी मना करो कि नहीं अंकल हम नहीं लेंगे। बहुत बार जो शासन है प्लास्टिक की जो पन्नियां होती है उस पर पाबंदी लगाता है, लेकिन लोग जो है जैसे थे वैसे फिर से बन जाते हैं। तो बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना है, सभी ने अगर ऐसा किया तो भी पर्यावरण बचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा समझो। उसके बाद देखिए बाजार में क्या-क्या दिखाई दे रहा है, और देखिए यहाँ पर कुत्ता है, ये मुर्गा है, मुर्गियां है, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर देखो तो, सब्जी भाजी हरी हरी पौष्टिकता से भरी भरी। देखिए संदेश दिया है यहाँ पर कि जो हरी सब्जियां होती है वो कैसी होती है, पौष्टिकता उसमें होता है होती है, और इस पौष्टिक हरी सब्जी खाने से हमारा जो स्वास्थ्य है शरीर है वह तंदुरुस्त रहता है, हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ते ही नहीं। जो हरी सब्जियां खाता है, दूध पीता है, फल खाता है, वो कभी भी बीमार नहीं होता। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है, डॉक्टर के सुई से बचना है, तो क्या करो बेटा, हरी सब्जियां खाओ, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, बैंगन, उसके बाद भिंडी, जो भी सब्जियां होगी गोभी, ये सब्जियां आपको खानी चाहिए। आगे देखिए क्या दिया गया है, देखिए ये रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, तो बाजार के रास्ते से लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो महिला महाराष्ट्रियन महिला है, नौवारी उन्होंने पहनी हुई है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं लुगड़ा, तो ये जो लुगड़ा है इन्होंने पहना हुआ है। देखिए दो पति पत्नी भी बाजार में आए हुए हैं। यहाँ पर देखो ये जो आदमी है क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है बेटा, गुब्बारे बेच रहा है ना? यस, गुब्बारे में कौन कौन से रंग है देखिए, गुलाबी है, लाल है, पीला, नीला, बैंगनी कलर है, हरा कलर है, तो अलग अलग कलर के गुब्बारे यह आदमी बेच रहा है। देखिए आगे और एक छोटी सी लड़की है गुब्बारे लेने के लिए आई है। यहाँ पर देखो ये कौन है, गधा है ना, गांव के बाजार में इस प्रकार के जो गधे हैं वो घूमते हुए हमारे हमें दिखाई देते हैं। आगे देखो यहाँ पर दो महिलाएं जो है बाजार में जा रही हैं, एक महिला महिला जो है उसने बच्चा देखो कैसे लिया हुआ है, दिखाई देती है आपको ऐसी महिला दिखाई देती है, इस प्रकार से उसने अपने बच्चों को कपड़े
कपड़े से अपने कंधे पर बांध के रखा हुआ है। देखो, दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? देखो, है ना? यस, ये है वह महिला, है ना? यस। आगे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। चलो बाजार जाए, सप्ताह भर का सामान लाए। और देखिए, हम बाजार जाते हैं तो बाजार जाने के बाद एक हफ्ते भर का सामान खरीद कर लाते हैं। यानी हफ्ता भर मतलब कितने दिन? 7 दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों तक हमें सामान जो है उसकी जरूरत रहती है सामान की। तो 7 दिनों तक जो सामान हमें लगता है वह सारा सामान हम बाजार से खरीद कर रखते हैं। सारी सब्जियां और कोई चीज रही तो वो भी हम बाजार से लाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह और क्या क्या है, देखिए देखिए, ये जो महिलाएं हैं तो उसके लिए जो चीज चाहिए, यानी ये अलंकार की दुकान है, गहनों की दुकान है ना? तो इस प्रकार से ये जो महिला है वह गहने खरीद रही है। यहाँ पर मुर्गा और मुर्गी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो बेटा, एक जो महिला है वह मिट्टी का यानी बर्तन खरीद रही है। यहाँ पर देखिए बर्तन, ये बर्तन बेचने वाली है और ये जो महिला है बर्तन देख रही है। उसके बाद देखो नीचे कपड़े की दुकान है। तो देखो कपड़े की ये जो महिला है कपड़े यहाँ पर खरीदने के लिए आई हुई है। और कौन कौन सी दुकानें होती है बाजार में बेटा बताओ? कौन कौन सी होती है? कपड़ों की होती है, बर्तनों की दुकान होती है, मिठाइयों की भी दुकान होती है, और क्या होता है, कौन कौन सी दुकानें होती है? बहुत सारी दुकानें होती है। इस प्रकार से ये जो हो गया गांव का बाजार। अभी देखिए शहर का बाजार। तो देखिए गांव का बाजार जो होता है बेटा वो छोटा होता है, और शहर का जो बाजार होता है वो कैसा? बड़ा होता है। यहाँ पर देखो जिसे हम मॉल कहते हैं, अभी शहरों में जो मॉल है वो आए हुए हैं, और उन मॉल में सुई से लेकर हर चीज जो है वहाँ पर एक ही जगह पर मिलती है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाजार में गंदगी न फैलाए। बहुत बार ये फल और सब्जियां बेचने वाले जो लोग होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, जब बाजार खत्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और इन लोगों का जो थोड़ा बहुत माल बचता है तो वो क्या करते हैं, उसको वही छोड़कर चले जाते हैं या साइड में फेंक देते हैं। फिर एक दो दिन के बाद वहां पर वो माल सड़ने से ही गंदी बदबू आती है, गंदगी फैलती है। इसलिए गंदगी ना फैले, इसलिए यहाँ पर संदेश दिया हुआ है कि बाजार में गंदगी ना फैलाए। और देखिए एक बड़ा सा जो मॉल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या क्या है यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ज्वारी, गेहूं, सब्जियां, कपड़े, यानी ये जो मॉल है इस मॉल में सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, ऐसा हमें समझ में आता है। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, चलो चले अपने बाजार, सजा सामानों का दरबार।
यानी बाजार में क्या होता है, सामान ही सामान होता है, यानी सारे जो लोग हैं सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले रहते हैं। तो देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए गहने हमें दिखाई दे रहे हैं, गले की मालाएं हैं, कान के झुमके हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो लोग हैं इस प्रकार से माल बेचने के लिए अपने अपने दुकानों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी गुब्बारे हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए शहरों की जो महिलाएं हैं किस प्रकार की पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, जो महिलाएं हैं उन्होंने ड्रेस पहने हुए हैं, एक जो महिला है उसने साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उनका जो रहन-सहन है वो कैसा है, शहरी रहन-सहन है। यहाँ पर देखिए ये जो लोग हैं ये भी कैसे शहरी लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये फलों की दुकान है, ये भी दूसरा बड़ा सा मॉल है। यहाँ पर यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर उधर न थूके। बहुत से लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, जो तंबाकू और गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, उन लोगों को बहुत ही गंदी आदत होती है, यानी खाने के बाद जहाँ भी उन्हें जगह दिखती है वहाँ पर वह थूकते हैं। लेकिन ये बात बहुत गंदी है बेटा, बहुत बुरी बात है। इससे हम क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पान तंबाकू खाया है, वह बीमार है, उसको बीमारी है कोई, और अगर वह रास्ते पर थूकता है तो उसकी यानी जो थूकता है वह तो वहां से बीमारी के जो कीटाणु होते हैं वो फैलते हैं और बाकी लोगों को भी बीमारी होती है। इसीलिए बीमार हो या अच्छा हो, किसी ने भी रास्ते पर थूकना नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य को हमें बचाना है, हमारे ही लोगों को हमें बचाना है और बीमारी को रोकना है। जो समझदार लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, ठीक है? तो इस प्रकार से शहरी बाजार और गांव का बाजार दोनों का चित्र हमें दिया गया है और दोनों चित्रों का वर्णन मैंने आप लोगों को करके बताया हुआ है। बड़े बड़े मॉल होते हैं बेटा शहरों में ज्यादा, और इस प्रकार की बाजार की दुकानें भी होती हैं। अगर आप बुलढाणा, जलगांव, अकोला, अमरावती इन शहरों के मार्केट में गए होंगे तो आपके समझ में आता है कि वहाँ का बाजार किस प्रकार का रहता है। जो वस्तु या जो चीज गांव के बाजार में नहीं मिलती, वो सारी चीजें और वस्तुएं शहरों के बाजार में या मार्केट में हमें मिलती है। वो कोई भी हो, खाने पीने की हो, कपड़ों की हो, खेती से संबंधित हो, कुछ वाहन हमें खरीदना रहा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो हमें शहरों के बाजार में ही जाना होता है। और एक बात यहाँ पर हमें बतानी है, आपको सुनना है कि जो चीज आप खरीदते हो वह चीज असली है या नकली है, लेबल उस पर जो लगा हुआ है वो असली है या नकली है, वो जरूर पहचानिए, जरूर उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद ही कोई चीज जो है खरीदो। अभी आपको क्या करना है बेटा, आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है, गांव के बाजार से संबंधित 10 वाक्य 10 सेंटेंस और शहर के बाजार से संबंधित 10 वाक्य आपको लिखना है, मतलब 10 लाइन। 10 10 लाइन आपको
लिखना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, होमवर्क करो और सभी ने होमवर्क सेंड करो, ठीक है बेटा? ओके, धन्यवाद।